सुप्रभात और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं अबरार सर की एक और वीडियो, जहां पर वो देखें तो केरला को काफी ज्यादा कवर कर रहे हैं। केरला अभी मुन्नार जाना था। हाँ, मुन्नार जाना था उन्होंने। तो वीडियो देखने जा रहे हैं, टाइटल बताएंगे। मौजम टाइटल है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग राइड इन केरला एपिसोड 7 पाकिस्तानी ऑन इंडियन टूर। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। और अभी हम लोग जी एक छोटे से गांव में आ गए हैं। बस इतना से गांव था। यहाँ पे मोस्टली जो है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और होटल्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं। ये रॉक चेक करें, इतना खूबसूरत है। अच्छा, वैसे तरह के पत्ते लगते ही बहुत अच्छे। जहाँ जहाँ पे आपको जगह को नजर आ रही है ना, उस जगह जो है वो टी प्लांटेशन चल रही है। क्या खूबसूरत लग रहा है। प्रोबेबली वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स जो आप जो है वो इस रीजन में, इस एरिया में जो है वो राइड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि और हमें क्या का कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो जो मैंने केरला का देखा है उसने बहुत इम्प्रेस किया है। और मैंने इससे पहले जो वो टी प्लांटेशन वाले एरिया को कभी विजिट भी नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत खूबसूरत लगता है। ये अगला सारा जो स्ट्रेच है ना मुन्नार तक, वो मेरे ख्याल में इसी तरह ही हमें देखने को मिलेगा। क्या बात है यार, वो आगे जो है हम खड़े होते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से जो व्यू हमें नजर आ रहा है, बहुत ही आला व्यू पॉइंट बनाया। चेक करें यार क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। देखो पहाड़ों के बीच से zigzag रोड कितनी खूबसूरत लगती है ना। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है ना वो सारा बनाया हुआ है। हालांकि ये कच्चे रास्ते लग रहे सारे मुझे। जी हर कॉर्नर पे आपको एक जो है ना डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा। इसी तरह जो है वो टूरिस्ट वहाँ पे खड़े होके ना इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहे होंगे। जो सारा एरिया जो है वो रोलिंग हिल्स से भरा हुआ है और उनके ऊपर टी प्लांटेशन जो है। एक सेकंड जी, हम यहाँ से गुजर जाएं, ये ट्रक वाला जो है ना कहीं हम उसकी लेन में चले जाते ना तो मसला हो जाना था। बड़े प्यार से मैं चला रहा हूँ ताकि मैं आपको खूबसूरती इस एरिया की दिखा भी सकूं और साथ साथ खुद भी इंजॉय करूं और सेफली जो है वो ट्रैवल भी करूं। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये ज़रा हाईएस्ट पॉइंट था, बाकी नीचे जो है ना गांव ऊपर से नज़र आ रहा था। हमें वही ना जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है।
चलें जी, हम लोग फाइनली मुनार में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, लंच भी करना है, तो देखते हैं जहाँ पे हमें कोई अच्छी जगह मिलती है वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे तो सिटी में काफ़ी रश है, लगता है आज जो है वो बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है तो, लेकिन स्टॉप तो हमें ज़रूर लेना है यहाँ पे। ये सही टूरिस्टी टाउन है। आप जैसे इंटर होते हैं ना, आपको शॉप से और इधर उधर जो वो स्टॉल लगा के लोग बैठे होते हैं ना, उससे पता चल जाता है। अभी बस देखना है कि यहाँ पे हमें कहाँ पे वो जगह को मिलेगी बैठने के लिए। लगता है कि इलेक्शंस है यहाँ पे। ये तो इतना कंजेस्टेड टाउन है कि यहाँ पे हमें एक्चुअली कोई पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। हमने ये सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं सेंटर से, और उसके बाद वहाँ पे आगे जो है वो जहाँ पे भी कोई रेस्टोरेंट नज़र आएगा उस पर खा लेंगे, बजाय हम यहाँ पे जो है ना ख्वार हों पार्किंग के लिए। एक साइड पे रिक्शे वाले हैं और दूसरी साइड पे जो है वो जीप वाले खड़े हुए हैं। सही कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इन्होंने। तो हम लोग जो अभी टाउन से बाहर ही आ गए, मैंने एक जगह ढूंढी है गूगल मैप पे जहाँ पे हमें जो है वो मिल जाएगा खाना, तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर दूर है। हमने कहा उधर ही अभी चलते हैं। फूड फूड यस मील्स मील्स हाँ वेयर सो गो हियर। देखे रोड पे मिल गए। एक्चुअली इनका ना गूगल पे भी लिखा हुआ था लेकिन हमें मिल नहीं रहा था, गूगल दिखा रहा था इसी रोड के ऊपर है और ये इधर से अंदर मुड़ना है। छोटा सा गांव है, 2-4 घरों का, और मेरे ख्याल में हमने शायद लग रही थी। अच्छा वो उधर बुला रहा है सामने, भाई साहब अंदर अंदर से आ गया पैदल। कहीं गिर ना जाए बरारे, बिस्ती ना करा ली अपनी तू। वो साइड से गुजर जाएगा, मेरे साथ तो पैनियर लगे हुए हैं। और तुम इधर कुछ छोटे-छोटे गांव भी तुम्हें देखो, ट्राई कर लेते हैं बिजली। ये भी बहुत बड़ा गांव है। थोड़ा सा स्पीड से आ गया हूं। कितना क्यूट सा घर है ना। चल बिरंगीली तू यहां पे ठहर। रंगीली यहां पे जो भी हमारे लिए जो वो टेबल लगाया जा रहा है। ये भी एक अच्छा so, है। ride? Ride was pretty good. Pretty good. Pretty good. Everything is so pretty. I have to ride more than like 8 hours. Yeah.
आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता है तो यहाँ पे तमिल बोलते हैं मलयालम? तमिल तमिलनाडु? नो, केरला। केरला, अच्छा, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। एक्चुअली हम लोग तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर, वी आर नियर टू द बॉर्डर ना। यहाँ पे जी हमारा लंच आ चुका है हमारे सामने, और क्योंकि हम केरला में हैं, यहाँ पे फिश जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं, साथ में केरला राइस जो है, तो हमने भी आप देखे सबसे पहले तो ये पॉट में जो है वो केरला राइस है। यहाँ पे है जी फिश कड़ी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने मुझे कहा था कि ये टूना है, उसके जो है ना छोटे छोटे से पीसीस किए हुए हैं, ये वैसी टूना नहीं है जो उसमें मिलती है कैन में, उससे डिफरेंट है। और साथ हमारे जो है ये फिश फ्राई है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फिश? चंबेली। चंबेली, या केरला नेम चंबेली। चंबेली, ओके, थैंक यू वेरी मच। अवियल, अवि, इट्स वेजिटेबल्स? या ऑल वेजिटेबल्स। ओके, ऑल वेजिटेबल्स। ऐसे कैबेज, ओके, पिकल, पिकल, बोटल गार्ड, कैरेट, पचड़ी। ओके, मुझे नहीं पता कि इनको क्या, लेकिन ये कि ये रेड कलर की है, ये पिकल तो मुझे समझ लग गई है। बाकी हम जी अपना खाना खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेट्स सी, आज हमारा केरला में मेरे ख्याल में ये लास्ट डिनर होगा, उसके बाद हम जो है लंच फिर डिनर कर्नाटका पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु को क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह। तो राइस के लिए जो हमें फिश कड़ी चाहिए, इसलिए जो है मुझे फिश नहीं पसंद, डाल लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन मजे की होती है, मुझे बहुत अच्छी बनी हुई है ना, इसलिए कैड एंड कोकोनट। हाँ, कोकोनट, थैंक यू। खाना हमने खा लिया है, हमारे पास ये यहाँ की स्वीट है, सेवइयां है इसमें, आई थिंक, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन, दिस वाइट सेमियो, मुंदरी, 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 ब्लैक रेजिंग। हां, ओके, सेमियो नंदन और में है, सेमियो, वर्मिचिली, वर्मिचिली, मिल्क, कैशू नट, ओके, ब्लैक रेजिंग, ब्लैक ग्रेप, या black grapes, okay, dry grapes, acha, it's very nice, kalengu, ghee, manakka, ghee also, yeah, ghee also. And what was the that sentence you were telling me to say? Cheta rendu kattan chaya, cheta rendu kattan chaya, harimo, okay, thank you very much, thank you. To hum yahan se chai bhi apni piyenge, main log kattan chaya. ये मुझे बता रहे हैं कि सामने एलिफेंट हमें नजर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर टू मीट यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चले, अच्छा उन्होंने गेट थोड़ा जो ना खोल दिया था, मुझे अच्छा लग रहा है इस गांव के घर सबके घर के आगे आपको थोड़ा सा बात, खाना भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, और वो एक गैदरिंग जो थी वो भी इंटरेस्टिंग से थी। यार मुझे अभी ना समझ नहीं लग रही कि मैंने लेफ़्ट पे चलाना है या राइट पे चलाना है, थोड़ा सा मसला हो जाता है ना कभी कभी। तो इस खाने के हमने दिए थे 400 रुपीज़, तो ठीक है, दो बंदों के लिए और क्या चाहिए, और इतना सारा वैरायटी भी देखो। यहाँ पे बस हमने जो है वो वाइल्ड लाइफ की तरफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको एलिफेंट्स भी मिलेंगे और उसके अलावा और भी काफ़ी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स आपको नज़र आएंगे। फिर ये जो मैसूर की तरफ रोड जाता है, ये किसी जगह पे शाम को 6 बजे जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से वाइल्ड एनिमल की क्रॉसिंग होती है। अब ये नहीं पता कि वो किस जगह पे बंद करते हैं, कार्तिकन को पता है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग 6 बजे से पहले शाम से वहाँ से आगे गुजर जाएँ। कमाल की जगह है यार, कसम से दिल खुश हो गया। ये जो पिछली हमारे 1-2 दिन की यहाँ पे राइड रही है ना, आज तो हमसे किलोमीटर हो ही नहीं रहा है इस खूबसूरती की वजह से भी।
आउटस्टैंडिंग भाईजान। इंडिया की एक जो ख़ास बात है ना, एक क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, एक रीजन से बंदा दूसरे रीजन की तरफ जाता है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, लोग, लैंडस्केप सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह यूरोप में बंदा जो ना इटली से स्पेन चला गया इधर उधर, इस तरह जैसे आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरी की तरफ जाएंगे ना, तो सेम वैसी ही ऑलमोस्ट चेंजेस आएंगी। यार माशाल्लाह यार, बहुत ही आला। उनके बात करने से पता चला, चेक करें यार, खुद देखें आप इसकी अब खूबसूरती, बंदा जब वो किन अल्फाज में बयान करे, तारीफ करे, दिस इज अमेजिंग। अल्लाह करे कि जो मैं सोच के इमेजिन करके आया था ना कि मेरी ये इंडिया की राइड जो है ना जैसी हो, अगर ये इस तरह की गुजरेगी ना, ओए मैं तो उसको पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगा। क्या बात है जगह की। बस अभी जो है ना कोशिश करके इस जीप से आगे निकलना है ताकि आप लोगों के लिए व्यूज़ भी कैप्चर कर सकें, और अपने लिए जो है थोड़ी सी स्पेस बना के ध्यान से हम जो है, इनके पीछे नज़र ही कुछ नहीं आता यार। बड़ी गाड़ी होती है ना, वन कोकोनट। हाँ ओके, मैं तो यहाँ पर कुछ सिगरेट पीने आया हूँ, वो है करके। बीच में ना जो छोटे छोटे रस्ते हैं वो कच्चे हैं सारे, ये पक्का रस्ता है। लेकिन वो देखे कच्चे रस्तों की अपनी खूबसूरती है जो बने हुए हैं। चलें जी, हमने यहाँ से पिया है कोकोनट, एनर्जी जो है अपनी बहाल की है, और लोग जो है वो देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कौन सी सिटी की है। अच्छा ओके ब्रो, नाइस मीटिंग टू यू, थैंक यू। नो डाउट यहाँ के सीनरी जो है वो इतनी खूबसूरत है कि आज हमसे किलोमीटर जो है वो नहीं हो रहा है। आज हमारी गलती है कि हम जो है बार बार जो है वो रुक रहे हैं। तभी हमने डिसाइड किया कि थोड़े से किलोमीटर जो है ना बगैर रुके हम लोग करें, सीनरी को ऐसे जो है वो राइड को इंजॉय करते जाएं। बस ये है कि जहाँ पे बंदा थोड़ा सा थक जाए उधर जाओ ब्रेक ले ले, यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे से स्टॉल आ रहे हैं जहाँ पे कोकोनट चाय और इस तरह की चीज़ें जो है ना आराम से मिल जाती हैं। ये कार्बन में इतनी बड़ी बस है और फिर ऊपर से जो है ना गाय पूरा एक ट्रैक जो है वो उसके ऊपर बैठ के आराम से सुकून से मजे कर रही है। बड़ा रिस्की होता है।
लेकिन मेरे को पता होगा कि ऐसे लेकिन जब इतने बड़े वेट रख सामने पे ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरा मतलब नहीं पता कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना यार, ये बहुत खूबसूरत है। अब देखें जैसे जैसे हम हाइट से थोड़ा नीचे जा रहे हैं ना, सीनरी चेंज हुई है और अब यहाँ पे पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़ और साथ में जो है ना बनाना की फील्ड्स नज़र आ रही हैं। ऊपर मोस्टली ये नहीं मिल रही थी, तो मेरे ख्याल में हम कोई हाफ एलिवेशन अपना ड्रॉप करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन विलेजेस आप चेक करें यार, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आ रहे हैं साथ में, प्रॉपर आप कह सकते हैं कि प्योर। ये जो है ना आज की अभी तक की हमारी राइड जो है वो इन छोटे छोटे गांव से ही गुजर के चल रही है, इसी बड़े कस्बे में हम लोग आज इंटर ही नहीं हुए। ये देखिए ना सामने अब जो ट्रीज आई हैं, चेक करें यार क्या खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल पतली पतली सी हैं। यहाँ पे देखें जी मोर आपको नजर आएगा, अभी मोर पीछे भी मुझे काफी जगह पे नजर आया, बहुत ही खूबसूरत मोर है यार। अब जरा ख्याल रखेंगे, हो सकता है हमें यहाँ पे और भी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स नजर आए। अच्छा यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या करना है? बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है, केरला फॉरेस्ट चेक पॉइंट। थैंक यू, कम अगेन केरला। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने अभी जो है वो केरला को खैरबाद कह दिया है, सो वेलकम टू तमिलनाडु, हमारे इस टूर की दूसरी स्टेट। और इधर भी आपको जो है ना इंटर होते साथ ही राइट साइड पे जो है ये मोर नज़र आ रहे हैं, क्या बात है भाई, खुले आम फिर रहे हैं यहाँ पे, मज़े ले रहे हैं। और यहाँ से उन्होंने खोलते हैं, उनका मुंह दूसरी तरफ था, मैंने कहा ये ना कि मैं नीचे से गुजरूं और ऊपर से जो है ना सीधा मेरे सर पे आग लगे। अभी जी हम लोग शहर की रंगीनियों में आ चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर जो है वो हमारा होटल है जहाँ पे हमने बुकिंग की है। तिरुपुर के नाम से सिटी है और वो शहर जो है मशहूर है क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, मुझे बता रहा है कार्तिकन। तो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, अभी शायद ये पल्लडम है या, क्योंकि ये दोनों सिटीज़ जो हैं वो पास पास में ही हैं। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। किधर गया जी, किधर गया होटल, यहाँ पे होना चाहिए, अभी नज़र नहीं आ रहा, ये वाला तो नहीं है, नहीं इससे आगे होगा। ये वाला है जी, ये वाला लग रहा है ना, बहुत अच्छा। ये है जी इसके रिसेप्शन। हम लोगों ने जी होटल में चेक इन कर लिया है और आपको रूम टूर देते हैं आज हमें, क्योंकि हम जाना चाहते थे आगे तो इमरजेंसी में ये होटल लेना पड़ा, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा होटल मिल गया। तकरीबन ये चेक पोस्ट जहाँ पे वो स्टॉप रोक देते हैं, आगे मना कर दिया उन्होंने, कुछ
50 किलोमीटर दूर है, तिरुपुर के नाम से सिटी है। आज हम यहाँ पे रहेंगे। इस रूम के हमने पे किए हैं अराउंड $40, आई थिंक 3,500 इंडियन रुपीज के आसपास हमने पे किए। booking.com से हमने बुक कर लिया था। बाकी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने ऑनलाइन अपने लिए पिज्ज़ा मंगवाया था। आपको पिज्ज़ा दिखाता हूँ मैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे की राइड के बाद हमें ये पिज्ज़ा मिला। मुझे नहीं, हमें नहीं पता था, मैंने इसको कार्तिकन को कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते तो पैन पिज्ज़ा में ये पिज्ज़ा है। मतलब इतने छोटे से पिज्ज़े तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे डोमिनोज से हलाल है कि नहीं, इसलिए मैंने जो है ना अपने लिए वेजिटेरियन मंगवाया। बाकी आज हमारा दिन जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत था। राइड थोड़ी लेंथी रही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा भाई, आज केरला से तमिलनाडु में जो है एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन केरला में जो अभी बाकी के सीनिक व्यूज देखे हैं आज बहुत मजे के। मैं कहता हूँ कि यार जो टी गार्डन्स का जो एक व्यू है ना वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इस सीरीज में क्योंकि हम लोग केरला से स्टार्ट हुई है सीरीज और हम लोगों ने देखा है, तो मुझे आज समझ आ रही है कि लोग क्यों बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री। बहुत खूबसूरत है केरला, शदीद वाला खूबसूरत है। मैं शदीद वाला इसलिए कहती हूँ जब मुझे कोई बहुत अच्छी चीज लगी ना तो मतलब शदीद वाला खूबसूरत। यार आप ये देखिए ब्रार भाई के अपने मुंह से निकल गया कि वो बहुत खूबसूरत। बाकी में जितना भी मतलब स्ट्रेच था, आप देखो साइडों पे टी गार्डन्स आपको नजर आए, माउंटेन्स इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन जो एक व्यू था, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है ना कि खुला आसमान और बहुत ही आपको एक ना वाइड हम कहेंगे कि रेंज नजर आती है ग्रीनरी की और आंखों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। या फिर यहाँ पे ना फिर वही बात जाती है कि गवर्नमेंट पे भी एक बहुत बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि उन्होंने एक इलाके को किस तरह जो है वो यूटिलाइज जो है वो किया हुआ है। अब जैसे केरला की बात करें तो भाई जितना भी हमने इनके टूर स्टार्टिंग से लेकर केरला के बाहर निकलने तक जो है ना हमने एक चीज जरूर देखी कि आपको जो है ना बेशक हर जगह नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको टी गार्डन्स लाजमी नजर आते हैं। और बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि भाई एक अच्छा इधर बना हुआ है एक दूर बना, नहीं आपको टोटली नजर ही टी गार्डन्स आते हैं। उस एरिया में ना ज्यादा प्लांटेशन आपको टी ही नजर आती, मे बी वेदर जो है वो बहुत सूटेबल हो इसके लिए, लेकिन ये कहूंगी भाई अद्भुत नजारे हम लोगों ने विटनेस किए हैं इस जर्नी में अभी तक केरला को लेकर। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे कोई जगह कितनी भी खूबसूरत हो, अगर वहाँ के लोग खूबसूरत नहीं ना होंगे आपको उस जर्नी का मजा नहीं आएगा। और जितना हम लोगों ने देखा है अभी तक व्लॉग में, लोग इतने अच्छे इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, स्पेशली जहाँ पर उन्होंने खाना खाया, मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी। एक तो घर अगर आप देखो सब घरों के आगे आपको एक छोटा छोटा गार्डन बगीचा सा नजर आएगा और घरों के स्टाइल भी एक जैसे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्योंकि शायद हम लोग शहरों में रहकर देखते हैं कि एक माले दो माले और पता नहीं कितने मतलब ऐड करते जाओ, लेकिन ये एक चीज है कि आप जब मदर नेचर को यू नो उस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो और साथ में अगर हम करेंगे उसकी उसका ख्याल करते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ देती है। सो मैं कहूँगी कि जितने भी गाँव वाले हैं इस टाइम पर, मुझे सीरियसली वो गाँव ना किसी एक एक होता है ना फैंटेसी लाइफ से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब ऐसे मूवीज में देखा है कि ऐसे गांव होते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम व्लॉग्स में देख रहे हैं। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने टेबल लगाया, खाना सर्व किया, मुझे लगता है कि रियल लाइफ में जब आप ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो ना वो बहुत आपको डिफरेंट मतलब आपके लिए मेमोरी रहती है जो कि लाइफ टाइम होती है। यार मुझे उससे ज्यादा अच्छी चीज ये लगी कि वो उनके लिए जो है रस्ते पर पोस्टर लेकर खड़े हुए थे कि कहीं भटक ना जाए रस्ता, क्योंकि काफी अंदर करके था। फिर उन्होंने उन्हें जो गाइड किया, फिर उनके आने से पहले वहां पर वो पहुंच गए कि कहां पर आ गया आपने जाना है। आई थिंक वो भटकने के लिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे थे गूगल में ऑलरेडी नाम था, लेकिन ये है कि रास्ता सही नहीं था ना, बहुत सारे लोगों को क्योंकि अंदर है काफी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता ढूंढते होंगे, तो वो उन्होंने गाइड करने के लिए वो वहां पर पोस्टर लगा लिया। तो ये भी एक मेहनत है, वही ना कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा खाने की उन्होंने तारीफ की तो भाई खाना जो है वो लाजमी बात है, गूगल पे भी अगर रेटिंग अच्छी है तो वहां पर गए हैं तो खाना वाकई में अच्छा होगा वहां पर। उन्होंने कहा था तो डेफिनेटली वो टेस्ट भी आया होगा। वैसे मुझे
मछली बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हुई हूँ। मैं फिर भी खा लेता हूँ, लेकिन हाँ। वो वाली मछली जिसमें कंडा ना हो, मतलब मुझे अच्छी लगती है सिर्फ एक वाली, वो भी मैश पोटैटो के साथ, बट इस तरह से मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये कि केरला में काफी सारे लोग मछली खाते हैं, ये मुझे इतना पता नहीं था। मौसम मुझे लगता था बंगाल का, हमें पता था कि बंगाल में काफी ज्यादा मछली खाई जाती है। और फिर उसके बाद बाकी लोगों की मैं बात करूँ, जहाँ जहाँ पर वो रुके, चाहे वो कोकोनट वाटर के लिए, तो लोग देखो ना, तो जो हॉस्पिटैलिटी थी लोगों की वो नजर आ रही कि आगे बढ़ के जहाँ पे खाना खाया वहां पे भी आपको ये चीज नजर आती है। फिर भाई जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और मतलब बीच में वाकई में उन्होंने सही बात की कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो तो आपको एक यू नो लोगों में कल्चर में चेंज नजर आता है, और इंडिया में एक स्टेट से उठकर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको ये सब चेंज वो देखने को मिलता है। यानी कि एक ही कंट्री में आपको इतना चेंज देखने को मिलता है। खैर केरला तो हम लोगों को जितना दिखा सके थे उन्होंने दिखाया, अब हम देखेंगे तमिलनाडु का डाइवर्स कल्चर, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से कोई सीरीज नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप जरूर बताइएगा कि तमिलनाडु को लेकर के क्या लगता है कि वहां पर कौन सी आइकॉनिक जगहें हैं या जहाँ जहाँ पर उनको विजिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि केरला में जितनी ग्रीनरी देखी है ना, अब जैसे जैसे वो आगे जाते जाएंगे, तमिलनाडु का तो खैर मुझे नहीं पता, बट अगर नॉर्थ वाली साइड पर जाएंगे तो इस तरह की ग्रीनरी तो उनको नजर नहीं आएगी, तो इंसान मिस करता है। लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि नॉर्थ का एक अपना जो है मैदानों का स्वैग है, ठीक है ना, और जो साउथ का उसका एक अपना पहाड़ों का स्वैग है। तो हम लोगों को थोड़ा ना ऐसे उदास, थोड़ा नहीं बहुत फील होता है, तो बस वही उदासी की मैं बात कर रही हूं। बाकी ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ मैं जा रहा हूं हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।